मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। चलिए फ्रेंड्स, आज का दिन आप सबके लिए शुभमय हो, अच्छा हो। और आज का दिन शुरुआत करते हैं, घर का रूटीन क्या क्या चल रहा है देखते हैं। इधर सारा है, उसका मम्मी के साथ बैठा हुआ है, खाना बना रहा है। गुड मॉर्निंग बोल दो मम्मी। और उनका मम्मी खाना भी बना रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रेस द लॉर्ड। सारा का तबीयत खराब है, कल से तो खाना बन रहा है सबके लिए। और जल्दी आज ड्यूटी जा रहा हूँ, और क्या है ना, ड्यूटी से फोन आया था तो जल्दी आने के लिए, तो मैं अभी निकल रहा हूँ। और बाकी बीवी संभालेगी क्या क्या आगे का ब्लॉग। ठीक है दोस्तों, बाय। मेरा टिफिन तो रेडी हो गया है। श्री भाली स्कूल जाएगा, श्रीलेखा नहीं जाएगा, सारा का तबीयत खराब है। और श्री भाली बोला कि मेरे को वो पीठा चाहिए और तड़का चाहिए जो कल वो उसने टिफिन लिया था। मैं वही पीठा ही बना लिया हूँ और चावल नहीं बनाया हूँ, क्योंकि मेरा श्रीलेखा स्कूल नहीं जाएगा सारा, तो मेरा भी ड्यूटी नहीं, मैं भी छुट्टी, मेरा भी घर में मैं रुकूंगा अभी। तो दोपहर को ही मैं चावल बना लूँगा। अभी तड़का, ये मिक्स दाल तड़का मैं बना लिया हूँ और पीठा बना लिया हूँ। सेम कल जो भी मैं बनाया था, सेम पीठा मैं बनाया हूँ। और ये चकुली पीठा मैं बना रहा हूँ, ये पतला वाला और एक ये मोटा वाला। इधर भी ये टिफिन के लिए रेडी हो रहा है, ये वो भी नाश्ता करेगा। श्री भाली श्रीलेखा दोनों नाश्ता करेंगे और ये टिफिन श्री भाली स्कूल लेके जाएगा। मैं बना रहा हूँ और कुछ नहीं, ओनली दाल तड़का ही बना लिया हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा बना लिया हूँ क्योंकि चावल के साथ भी मेरा हो जाएगा, और कुछ नहीं बनाऊँगी। ठीक है, उसको मैं श्री भाली को दे देती हूँ। और होगा तो श्रीलेखा को आज मेरे को लेना पड़ेगा उसका हेयर कट करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा हेयर हो गया है। देखते हैं उसका तबीयत तो ज़्यादा बुखार आएगा तो नहीं लेंगे, नहीं तो उसको लेके थोड़ा हेयर कट करके उसको ले आएंगे घर। देखिए, श्रीलेखा तो स्कूल नहीं जाएगा, वो बाहर में बैठा है अभी। श्री भाली रेडी हो गया है, हाय बोलो। हाय। अभी वो निकल रहा है घर से, उसका छोटी बहन यहाँ बैठी है, श्री भाली जा रहे हैं अभी। मैं उसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, उसको बस में बैठा देके मैं आऊँगा। और श्रीलेखा तो इधर बैठा है। श्री भाली तो चला गया है स्कूल, अभी सारा है घर में। उसको वो पीठा थोड़ा सा खाया, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या मालूम नहीं। उसको चाहिए था सेमिया का खीर, उसके लिए मैं बना के लाया हूँ सेमिया का खीर। उसको खिला देते हैं, उसके बाद वो दवाई खाएगा। होगा तो उसका थोड़ा सा खाओगे ना मम्मी, उसके बाद हम लोगों को होगा तो जाएंगे, तबीयत तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बुखार नहीं आएगा तो जाएंगे उसका हेयर कट करने के लिए। पहले मैं उसको खाना खिला देती हूँ। श्री भाली चला गया है स्कूल, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सारा भी नहीं जाएगा उसके साथ, और इसलिए वो थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत मुश्किल से लिया है, उसको छोड़ के मैं आ गया हूँ। और उसके लिए सेमिया का खीर खिला देती हूँ पहले, उसके बाद फिर देखते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फिर बोलती हूँ आपको बाद में। तीन चम्मच और नहीं खाऊंगी बोल रहा है, बुखार नहीं है अभी, फिर भी नहीं खा रहा है खाना।
थोड़ा सा और खा लो ना, और नहीं खाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इधर कपड़ा डाला था बाहर में और बारिश फूल अंधेरा कर रहा है, इसलिए मैं कपड़ा सब इधर रख दिया हूँ। इधर डाला था और बारिश बारिश ऐसा अंधेरा कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है, उसको मैं इधर ले दिया हूँ। बारिश जैसा नहीं गिरेगा फिर भी अभी धूप आ रहा है, फिर उसको धूप में दूंगी। अकेला में क्या होता है कि कपड़ा बाहर में डालोगे तो धूप में दिन भर कपड़ा को देखते रहना है, नहीं तो कितना टाइम में भी बारिश आ सकता है। पहले मैं उसको धूप में दे देती हूँ, उसके बाद रेडी होंगे। सारा आऊ मैं अभी जा रहा हूँ सारा का हेयर कट करने के लिए, अभी घर से निकल रहा हूँ। कपड़ा डाला था बाहर में, बारिश कितना आया इसलिए फिर सारा कपड़ा अंदर रख दिया हूँ, अभी धूप आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं अभी घर से। कहाँ जा रहे हो तुम? हेयर कट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अभी, फिर मिलते हैं। बस गए हैं, बस में बैठे हैं श्री सारा में। श्री लेखा का हेयर कटिंग हो रहा है स्टार्ट, वो बैठा है, वो चुपचाप बैठा है। ओनली कोट तो कुछ नहीं काटेंगे क्योंकि वो हेयर वॉश नहीं किया है, बुखार है उसको, और ओनली सिंपली साइज करेंगे राउंड शेप में। फ्रंट है अंदर आने के लिए, इधर बैठने के लिए कस्टमर लोग के लिए सोफा है, इधर श्रीलेखा बैठा है हेयर कटिंग, और इधर इधर हो रहा है क्या हेयर वॉश और मेकअप फेशियल जो भी काम इधर हो रहा है रेडी, और इधर कुछ कुछ सामान है, केरला का ब्यूटी पार्लर ऐसा दिखता है। इधर सामान है फेशियल का सामान, इधर भी फेशियल का सामान है। हमारा तो हेयर कटिंग हो गया है, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, मेडिसिन लेंगे सारा के लिए, मेडिसिन मेडिकल शॉप से लेके फिर जाएंगे होम। पहुंच गए हैं घर में, हेयर कट करने के बाद मेडिसिन लाने के लिए गए थे, मेडिसिन और कुछ लेज चॉकलेट, क्योंकि नहीं तो मेडिसिन खाने में दिक्कत होगा, इसलिए लेज कुरकुरे पकड़ के हम लोग पहुँच गए हैं घर में। कोई नहीं है, पकड़ो चाबी उसको। हम लोग पहुंच गए घर, गर्मी जास्ती, बाहर में धूप ज्यादा हो रहा है। हैंड धो के आओ पहले, फुल क्लीन करो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसको मेडिसिन खिलाना है और उसको थोड़ा नहाना तो नहीं होगा, उसको मुंह क्लीन करेंगे, उसके बाद उसको मेडिसिन खिलाएंगे कुछ खिलाकर,
मेडिसिन में फूल लेके आ गया हूँ। कल मैं खाली पैरासीटामोल दिया था, टोटल मेडिसिन हमारे पास नहीं था। आज उसको पूरा मेडिसिन में लेके आया हूँ। अभी पहले उसको खाना खिला के फिर मेडिसिन खिला देती हूँ, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। इधर श्रीभाली आ गया है स्कूल से, और श्रीलेखा उसके लिए जो लाया था चॉकलेट लेज वो दे रहा है अभी उसका दीदी को। मैं टाइम है, श्री सारा अभी खेलने के लिए रेडी हो गए हैं। उनका फ्रेंड सब आके उसको बुला रहे हैं कि जल्दी आओ खेलेंगे, क्योंकि बारिश भी नहीं है ना, इसलिए शाम का टाइम सभी बच्चे अभी इकट्ठा हो जाएंगे। वो श्री भाली चला गया है और श्रीलेखा इधर चप्पल पहन रही है, अभी जाएगा वो भी साथ में खेलेंगे। सभी बच्चे एक साथ हो गए हैं, उधर खेलेंगे अभी।